दोस्तों, आज फिर मैं यहाँ उपस्थित हो गया हूँ एक नया कंसेप्ट के साथ। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कैरेक्टर सेट, डिफरेंट कैरेक्टर्स व्हिच आर सपोर्टेड इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन सी। तो सी लैंग्वेज में व्हाट आर द डिफरेंट कैरेक्टर्स व्हिच आर बीइंग सपोर्टेड इन द सी लैंग्वेज, सबसे पहले ये हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हम लोग एक बात समझ ले दोस्तों कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रहे, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, सबसे पहले तो हम लोगों को ये समझना होता है कि भाई जैसे कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन सी, तो हम लोगों को अभी समझना है कि भाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन सी में कौन कौन सा कैरेक्टर सपोर्ट करता है। ठीक है दोस्तों, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने से पहले ये हम लोगों को सीखना जरूरी है कि व्हाट आर द डिफरेंट कैरेक्टर्स व्हिच आर बीइंग सपोर्टेड इन दिस कैरेक्टर बाय दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है दोस्तों, ये सबसे पहले समझना है। तो चलिए आज हम लोग कैरेक्टर सेट समझ लेते हैं व्हिच आर बीइंग सपोर्टेड इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन सी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए एक बात बोल दूं कि ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन सी है दोस्तों, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन सी इट सपोर्ट 256 कैरेक्टर्स। ठीक है दोस्तों, यहाँ जो नोट्स रिक्वायर्ड है आज का जो वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वो सारा चीज़ मैंने यहाँ ऑलरेडी नोट कर दिया है। ठीक है, जो वीडियो पॉज कर आप लोग जरूर इसको क्या कर लीजिए कि नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, अच्छा रहेगा। तो आज कैरेक्टर सेट पढ़ने जा रहे हैं और जो चीज़ हम लोग अभी पढ़े हैं यही चीज़ हमने यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, देखिए तो सबसे पहले लिख दिए हैं कि वी हैव टू नो अबाउट कैरेक्टर सपोर्टेड बाई इट, मतलब बिफोर लर्निंग एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वी हैव टू लर्न अबाउट द कैरेक्टर्स व्हिच आर बीइंग सपोर्टेड बाई दैट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सबसे फर्स्ट पॉइंट। ठीक है दोस्तों, तो आप देखिए यहाँ लिखिए लाइक अदर लैंग्वेज सी लैंग्वेज ऑल्सो सपोर्ट्स इट्स ओन कैरेक्टर सेट, इट सपोर्ट्स 250 कैरेक्टर। ठीक है दोस्तों, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन सी दैट इज सी लैंग्वेज सपोर्ट्स 256 कैरेक्टर्स, दैट इज ये डिफरेंट कैरेक्टर्स व्हिच आर व्हाट आर द कैरेक्टर्स व्हिच आर बीइंग सपोर्टेड बाय द सी लैंग्वेज यहाँ लिखे हुए हैं। देखिए जैसे कि ए बी सी टू जेड अपर केस, ठीक है, मतलब कैपिटल ए बी सी डी अपर केस लोअर केस, 0, 1, 2, 9 ये, ठीक है, न्यूमेरिक वैल्यूज एंड सम ऑफ द अदर सिंबल्स लाइक, बहुत सारा 256 है दोस्तों, समझिए बहुत सारा है, लेकिन हम लोग जितना यूज होगा लगभग मैंने वही मेंशन किया हुआ है। एम्परसेंड, इसको एम्परसेंड का साइन बोलेंगे ऑपरेटर, ठीक है दोस्तों, मॉडुलस ऑपरेटर, लेस देन ग्रेटर देन, ठीक है, ये क्या लेफ्ट पैरेंथेसिस राइट पैरेंथेसिस ईटीसी बहुत सारा है, स्पेशल सिंबल्स बोलेंगे इसको। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अगर हम लोगों को ये कैरेक्टर सेट के बारे में जानकारी हो गया, ठीक है दोस्तों, तो विद द हेल्प ऑफ दीज कैरेक्टर्स ओनली, ठीक है, बाय यूजिंग दीज कैरेक्टर्स ओनली, ये 256 कैरेक्टर्स बाहे कोई दूसरा कैरेक्टर हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन सी में यूज करेंगे तो वो सपोर्ट नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, सी लैंग्वेज उसको सपोर्ट नहीं करेगा, सी लैंग्वेज ओनली सपोर्ट दीज 256 कैरेक्टर्स। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ ओनली यूजिंग दीज 256 कैरेक्टर्स वी कैन फॉर्म डिफरेंट स्टेटमेंट्स, इसके जगह पर इंस्ट्रक्शन यूज कीजिए और अच्छा, वी कैन फॉर्म डिफरेंट इंस्ट्रक्शन स्टेटमेंट्स एक्सप्रेशन इन सी लैंग्वेज। ठीक है दोस्तों, तो वी कैन फॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट एक्सप्रेशन, ये सारा कैसे बनेगा विद द हेल्प ऑफ द कैरेक्टर सपोर्टेड बाय द सी लैंग्वेज, सो बाय यूजिंग ओनली दीज 256 कैरेक्टर्स। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हियर बाय यूजिंग ओनली दीज 256 कैरेक्टर वी कैन फॉर्म स्टेटमेंट एंड एक्सप्रेशन इन सी लैंग्वेज, एक्सेप्ट दीज 256 कैरेक्टर्स वी कैन नॉट यूज एन अदर बिकॉज दीज 256 कैरेक्टर्स सी लैंग्वेज डज नॉट सपोर्ट एनी अदर कैरेक्टर्स। ओके दोस्तों, तो 100% कंप्लीट हो गया, तो कैरेक्टर सेट इसको बोलेंगे। ठीक है, तो कैरेक्टर सेट इन सी लैंग्वेज के बारे में हम लोग पढ़ ली है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ये वीडियो में एक हम लोग अच्छा और कंसेप्ट एक पढ़ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ ध्यान से देखिए वो क्या है जो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले उसके बारे में कुछ डिस्कस कर ले। ठीक है दोस्तों, तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डाटा टाइप्स इन सी लैंग्वेज, व्हाट आर द डिफरेंट डाटा टाइप्स इन सी लैंग्वेज। ठीक है दोस्तों, मेरे बात को नोट कीजिए, व्हाट आर द डिफरेंट डाटा टाइप्स इन सी लैंग्वेज, अच्छे से समझेंगे और खत्म करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ चलिए यहाँ मैं लिख लेता हूँ, सबसे पहले जो पढ़ने जा रहे हैं उसका हेडिंग दे देते हैं। सबसे पहले ठीक है दोस्तों, तो देखिए अभी हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों वो है हम लोगों का डाटा टाइप्स। अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों वो हेडिंग है हम लोगों का, वो टॉपिक है डाटा टाइप्स। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सबसे पहले मैं यहां लिखूंगा दोस्तों व्हाई डाटा टाइप्स,
why data types. हम लोगों को दोस्तों ये डाटा टाइप क्यों चाहिए, ये डाटा टाइप्स क्या है, क्यों डाटा टाइप चाहिए. देखिए दोस्तों ये डाटा टाइप्स का काम क्या है दोस्तों इन सी लैंग्वेज, मतलब इन सी लैंग्वेज दीज डाटा टाइप्स जो हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं सी लैंग्वेज में, दीज डाटा टाइप्स हेल्प्स टू आइडेंटिफाई दी डाटा आइटम्स. ठीक है दोस्तों, क्यों, बिकॉज बिकॉज दी डाटा टाइप्स हेल्प टू आइडेंटिफाई द डाटा आइटम्स व्हिच आर टू बी यूज्ड इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ठीक है दोस्तों, देखिए मतलब क्यों डाटा टाइप्स क्यों, बिकॉज डाटा टाइप्स का काम क्या है, डाटा टाइप्स हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द डाटा आइटम्स. ठीक है दोस्तों, इसका इसका जो मुख्य काम है, इसका काम है कि ये जो डाटा आइटम्स जो हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज करते हैं, ठीक है दोस्तों, उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई ये डाटा आइटम्स कौन सा है, ये डाटा आइटम्स कौन सा है, ये इंटीजर टाइप है, ये कैरेक्टर टाइप है, वो आइडेंटिफाई करते हैं डाटा टाइप्स. उसीलिए इसका जो क्यू डाटा टाइप्स, बिकॉज इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द डाटा आइटम्स व्हिच आर गोइंग टू बी यूज्ड इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ठीक है दोस्तों, तो ये है डाटा टाइप्स क्यों चाहिए. ठीक है दोस्तों, व्हाट इज डाटा टाइप्स, डाटा टाइप्स का डेफिनेशन हम लोग कैसे लिखेंगे. ठीक है दोस्तों, तो वो यहां अभी लिख लेता हूं. ठीक है दोस्तों, देखिए ध्यान से कि ये डाटा टाइप्स को कैसे हम लोग डिफाइन कर लेंगे सिंपली, डाटा टाइप्स. ठीक है दोस्तों, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, डाटा टाइप्स are the reserved words, are the reserved words used for the declaration of variable. ठीक है दोस्तों, तो ये हम लोग सिंपली बोलेंगे डाटा टाइप्स का डेफिनेशन में, डाटा टाइप्स आर द रिजर्व्ड वर्ड्स व्हिच आर यूज्ड फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ द वेरिएबल. ठीक है दोस्तों, ये क्या होता है, टू डिक्लेयर अ वेरिएबल इन द इन सी लैंग्वेज वी यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा टाइप्स. सो वी कैन से दैट डाटा टाइप्स आर द रिजर्व्ड वर्ड्स. मींस व्हाट दोस्तों, रिजर्व्ड माने सी कंपाइलर understand that words, that data types are such words which can be understand by the C compiler. ठीक है दोस्तों, वो C compiler उसको समझ, उसको हम लोग declare नहीं करेंगे, उसको हम लोगों को declare नहीं करना पड़ता है, वो already defined रहता है. ठीक है दोस्तों, वो already C compiler में रहता है, उसीलिए reserved words यहाँ बोल रहे हैं. डाटा टाइप्स आर द रिजर्व वर्ड्स व्हिच आर यूज्ड फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ द वेरिएबल. ठीक है दोस्तों, देखिए और डाटा टाइप्स का दोस्तों एक अच्छा और इंपॉर्टेंट काम क्या है दोस्तों, तो हम लोग बोलेंगे क्या, डाटा टाइप्स ऑल्सो हेल्प्स टू रिस्ट्रिक्ट द वेरिएबल. देखिए दोस्तों, इसका एक नोट में लिख देता हूं, नोट में देखिए, इट ऑल्सो रिस्ट्रिक्ट्स अ वेरिएबल that how much extent it can store a value. देखिए दोस्तों, इसका जो एक अर्थ मैंने यहाँ एक नोट में लिखा है कि ये डाटा टाइप्स का एक दूसरा हेल्प क्या है, दूसरा काम क्या है, तो देखिए, इट ऑल्सो रिस्ट्रिक्ट्स अ वेरिएबल दैट हाउ मच एक्सटेंट इट कैन स्टोर अ वैल्यू. कि मानिए कोई एक, देखिए दोस्तों, ये सबसे पहले समझिए कि डाटा टाइप्स कुछ नहीं है, डाटा टाइप्स आर द रिजर्व वर्ड्स हेल्प्स टू व्हाट, डिक्लेयर अ वेरिएबल. तो जब वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ डाटा टाइप्स, वी यूज टू डिक्लेयर अ वेरिएबल. ठीक है दोस्तों, इसका बारे में हम लोग आगे जैसे बढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे. ठीक है दोस्तों, तो देखिए, ये लिए कि वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए डाटा टाइप्स यूज होता है, और डाटा टाइप्स का एक और काम क्या है कि वो जो वेरिएबल जो हम लोग डिक्लेयर कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ डाटा टाइप्स, ये डाटा टाइप्स एक और काम क्या करता है कि वो वेरिएबल को क्या करता है, वो वेरिएबल के बारे में बताता है कि वो वेरिएबल में हम लोग कितना मात्रा में, कितना तक का वैल्यू स्टोर कर सकते हैं. ठीक है दोस्तों, मतलब कितना तक वैल्यू स्टोर सकते हैं, क्या वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, वो ये डाटा टाइप जो है वो जानकारी भी देता है. ठीक है दोस्तों, तो यही बात लिखे हैं अंग्रेजी भाषा में.
ठीक है दोस्तों। तो व्हाट इज डाटा टाइप्स, ये डाटा टाइप्स क्यों पहले तो पढ़े, व्हाई डाटा टाइप्स, व्हाट आर डाटा टाइप्स ठीक है दोस्तों, एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंट ऑफ डाटा टाइप्स, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ डाटा टाइप्स, ये भी हम लोग पढ़ लिए ठीक है दोस्तों। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा टाइप्स इन द सी लैंग्वेज, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा टाइप्स ठीक है दोस्तों। तो देखिए सी लैंग्वेज में क्या है वो यहाँ लिख लेते हैं ठीक है दोस्तों। तो ध्यान से यहाँ देखिए, यहां हम लोग सबसे पहले डाटा टाइप्स में दोस्तों देखिए, डाटा टाइप्स इन सी लैंग्वेज मेनली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट थ्री टाइप्स ऑफ डाटा टाइप्स ठीक है दोस्तों। सी लैंग्वेज में अभी हम लोग थ्री टाइप्स ऑफ डाटा टाइप्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं ठीक है दोस्तों। तो कौन सा है देखिए, वो फर्स्ट इज वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट बेस्ड डाटा टाइप्स ठीक है दोस्तों, बेस्ड डाटा टाइप्स। सेकेंड आर डेराइव्ड डाटा टाइप्स एंड द थर्ड वन इज यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स ठीक है दोस्तों। तो देखिए हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा टाइप्स के बारे में भी पढ़ेंगे यहाँ पर। तो कौन सा डिफरेंट टाइप्स ऑफ, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा टाइप्स में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, मेनली इन दिस सी लैंग्वेज वी डिस्कस अबाउट द थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा टाइप्स। तो व्हाट आर दैट, तो दीज आर बेस्ड डाटा टाइप्स, डेराइव्ड डाटा टाइप्स एंड द अदर वन इज द व्हाट, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स। ये थ्री डाटा टाइप्स के बारे में हम लोग डिटेल में यहाँ पर पढ़ेंगे ठीक है दोस्तों। तो अभी के ये वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। तो क्या क्या पढ़े इस वीडियो में दोस्तों, कैरेक्टर सेट पढ़े कि भाई व्हाट आर द डिफरेंट कैरेक्टर सेट सपोर्टेड बाय द व्हाट सी लैंग्वेज, या कैरेक्टर सेट की वजह से क्या क्या कर सकते हैं सी लैंग्वेज में, क्यों कैरेक्टर सेट पढ़ना होता है ठीक है दोस्तों, इसके बारे में जानकारी लिए। उसके बाद डाटा टाइप्स, व्हाट इज डाटा टाइप्स, व्हाई डाटा टाइप्स, व्हाट आर द डेफिनेशन ऑफ डाटा टाइप्स, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ डाटा टाइप्स, सारा ये खत्म कर लिया। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा टाइप्स व्हिच वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस सी लैंग्वेज ठीक है दोस्तों। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा टाइप्स इन सी लैंग्वेज वी विल डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो ठीक है दोस्तों। अभी के ये वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, अगले के वीडियो में डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा टाइप्स के बारे में जरूर डिस्कस करेंगे ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।